हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड आर्ट एंड हेल्थ। आज की रेसिपी है गोंद के लड्डू, जो बनेंगे ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स और गेहूं के आटे के साथ में। तो चलिए देखते हैं इसकी सामग्री। काजू 3 टेबलस्पून, खाने का गोंद 1 कप, मेलन सीड्स 2 टेबलस्पून, पिस्ता 2 टेबलस्पून, खसखस 1 टेबलस्पून, अखरोट 2 टेबलस्पून, सूखा नारियल थोड़े छोटे टुकड़ों में कटा हुआ 1.5 कप, बादाम 1 कप और खारिक यानी कि ड्राई डेट्स 1.5 कप। सबसे पहले हमें खारिक या जो ड्राई डेट्स हैं इनको छोटे टुकड़ों में काट लेना है और इसके अंदर की सीड्स हमें निकाल लेनी है। खारिक को बारीक कट करने से या मिक्सी में से आसानी से पीस जाएगा। अब सूखे नारियल के टुकड़े और खारिक, इन दोनों को हम मिक्सी में से साथ में पीस लेंगे ताकि खारिक का अच्छा सा पाउडर बन जाए। हमें इसका दरदरा सा पाउडर बनाना है। देखिए इस तरह से ये तैयार हो चुका है। अब एक पैन में हम 2 टेबलस्पून घी लेंगे और मध्यम आंच पे हम काजू को 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से थोड़ा सा भूनने से इसमें अच्छा क्रंच आता है, तो ये जब हम लड्डू खाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसी तरह से हम पिस्ता और अखरोट को भी हम भून लेंगे। अब बादाम को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। भूनने से ड्राई फ्रूट का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है लड्डू में। इसी के साथ में हम डालेंगे मेलन सीड्स, उनको भी हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब डालेंगे हम 1 टेबलस्पून खसखस और खसखस वो भी हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और हम ड्राई फ्रूट्स को साइड में थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये अच्छे से भून चुके हैं, अब इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब पैन में फिर से 2 टेबलस्पून घी गरम करके इसमें हम गोंद डाल देंगे और बहुत ही लो फ्लेम पे हमें इसे भूनना है, क्योंकि अगर गैस का फ्लेम बढ़ा रहा तो ये फूल तो जाते हैं लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इन्हें आराम से भून लीजिए। अब देखिए ये अच्छे से भून चुका है गोंद। अब जो ड्राई फ्रूट ठंडे हो गए हैं इन्हें हमें पाउडर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये तैयार हो चुका है ड्राई फ्रूट का पाउडर। और अब जो गोंद हमने फ्राई किया था इसे भी हम हल्का सा क्रश करके रखेंगे। रफली हमें इसे थोड़ा सा क्रश करना है। अब पैन में हम 3 कप आटा डालेंगे और मध्यम आंच पे 5 से 10 मिनट के लिए भूनेंगे। मैं शुरुआत में घी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि घी डालने के बाद में इसे आटे को भूनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले हम बिना घी डाले ही इसे 5 से 10 मिनट के लिए मध्यम आँच पर भूनेंगे। अब 5 से 10 मिनट होने के बाद में मैंने इसमें 7 से 8 बड़े टेबलस्पून घी डाल दिया है और अब 10 से 15 मिनट और इसे मैं मध्यम आंच पे भून रही हूँ। आटे को हमें इस तरह से सुनहरा ब्राउन रंग आने तक हमें भूनना है। अब एक बड़ी सी थाल में खारिक, सूखा नारियल, गोंद और ड्राई फ्रूट कचूरा ये सब हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून जायफल का पाउडर। जायफल के पाउडर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा लड्डू के अंदर। ड्राई फ्रूट का चूरा ये भी इसमें डाल दीजिए। अब इसमें भुना हुआ आटा डाल देंगे और लगभग 2 कप शक्कर मैंने यहाँ लड्डू के अंदर डाल दी है। आप शक्कर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं। आप चाहो तो आप गुड़ भी डाल सकते हो, तो आवश्यकता अनुसार आप शक्कर डाल दीजिए। अब इसमें आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा घी डालेंगे। मैं लगभग 3 टीस्पून घी और डाल रही हूँ।
अब ये सारे मिश्रण को हमें अच्छे से मिला लेना है और इनके छोटे छोटे लड्डू बना लेना है। ये बहुत ही पौष्टिक और न्यूट्रिशियस लड्डू है। आप ये रेसिपी ज़रूर बना के देखिए। विंटर में ये बहुत हेल्दी और बहुत न्यूट्रिशियस ऑप्शन है बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए, बहुत आसानी से बन जाते हैं। और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी। थैंक यू सो मच।